बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती शहर के अंबेडकर चौक पर धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के झारखंड प्रदेश महासचिव शिव कुमार दास उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कहा कि आज यानी 14 अप्रैल को पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। साल 1891 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के महू गाँव में रामजी सकपाल एवं भीमाबाई के घर बाबा साहेब का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर का महान व्यक्तित्व लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बाबा साहेब समाज सेवी, दार्शनिक, विद्वान माने गए हैं। इन्होंने वंचित और मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी आवाज उठाई। अपने भाषण में शिव कुमार दास ने भीमराव अम्बेडकर साहब के स्लोगन को याद किया और कहा कि शिक्षा सिरनी का दूध है, जिसे पाकर इंसान अपना और समाज का सर्वांगीण विकास कर सकता है। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। मौके पर अजय दास, बसंत दास, वासुदेव दास, राहुल कुमार दास, केदार दास, सुरेश दास समेत शहर के कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज बहुत खुशी का दिन है। भारत के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन समारोह है। इस जन्मदिन के समारोह के अवसर पर पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में 66 देशों में उनका जन्मदिन समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारत के संविधान निर्माता एक ऐसे महान हस्ती भारत देश में जन्म लिए, जो भारत देश को संविधान देकर के सभी धर्मों को, सभी जातियों को उन्होंने संपूर्ण अधिकार देने का काम किया। आज भारत देश इसी के लिए जाना जाता है कि भारत आधुनिक भारत देश के नाम से। आज अगर बाबा साहेब नहीं होते तो जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को जिस तरह से भारत देश में आज़ादी के पहले जिस तरह से विभाजन था, जिस तरह से शोषण था, उन सारे बाबा साहब के संविधान देने के बाद सभी तरह के उसको मैंने खत्म किया गया और संविधान के माध्यम से समान अधिकार दिया गया। इसलिए भारत देश आज इस बात का गौरवपूर्ण देश है और बाबा साहेब को पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये पहले भारत के ऐसे महान रत्न है। इसलिए आज के दिन हम लोग को जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जो झारखंड में जो बाबा साहेब जो चाहते थे संविधान के माध्यम से, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से संघर्ष करके इस झारखंड में विधायक और मंत्री बना करके हम सभी धर्मों और जातियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों का हम संकल्प लेकर के आज हम बाबा साहेब का जन्म का हम अपने कई दिन से शुभकामना करते हैं। जय भीम।